हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एस के आर के पे। दोस्तों, आज का जमाने में अगर किसी को कोई चीज़ खरीदना है तो वो ऑनलाइन से खरीदता है ज़्यादातर। यहाँ तक आपको अगर कोई चीज़ भेजना है या फिर खरीदना है वो भी ऑनलाइन से करता है, लाइक OLX जैसे एप्लीकेशन से। इसी का फायदा लेके स्कैमर ने स्कैम करता है इंडियन आर्मी का नाम लेके। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ खरीदना है तो नॉर्मल जितना प्राइस होता है उससे बहुत ही लो प्राइस पे दिखाया जाएगा, एंड वहाँ पे आपको इंडियन आर्मी का नाम लेकर स्कैम कर देगा, आपका अकाउंट जीरो भी कर सकता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में OLX स्कैम किस तरीके से होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई हैं। साइबर ठग ने QR कोड भेजकर उनसे 34,000 रुपए ठग लिए। और राजधानी की बड़ी खबर बता दें, OLX पर आईफोन बेचने का झांसा दिया गया और ठग लिया गया। ठगों ने लाखों रुपए की चपत। दोस्तों, OLX पर ये स्कैम दो तरीके से होता है। एक तो अगर आप किसी भी चीज खरीदने जाओगे उस टाइम होता है, दूसरा अगर आप किसी भी चीज बेचने जाओगे उस टाइम होता है। दोनों स्कैम अलग अलग तरीके से होता है, एंड दोनों स्कैम के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके होता है दोनों स्कैम। अगर आप कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हो तो उस टाइम स्कैम किस तरीके से होता है। अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा हो, सोच लीजिए एक फ़ोन खरीदने जा रहा हो, उसका नया में रेट है 50,000, तो उसको जो सेकेंड हैंड फ़ोन है आपको तो मिनिमम 30,000 के ऊपर तो मिलेगा ही। तो अगर किसी ने 10,000 के नीचे दिखा रहा है, 10,000 या फिर 10,000 के नीचे दिखा रहा है, समझ लीजिए वो स्कैमर है, वहाँ पर आपको स्कैम कर सकता है। तो वहाँ पर अगर कुछ भी जाके कॉल करेगा या फिर कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करेगा, तो कॉन्टैक्ट करने के बाद वो उससे बात करेगा, एंड वहाँ पर बोलेगा मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, मेरा इस फ़ोन में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ मेरा जो जहाँ पर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ मेरा वहाँ से दूसरे जगह में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मैं एक फ़ोन को भेजना चाहता हूँ या फिर कोई भी सामान हो मैं भेजना चाहता हूँ, तो इस फ़ोन को आप ले लीजिए। तो भी बंदा फ़ोन खरीदेगा तो सबसे पहले वो बोलेगा मैं फ़ोन को देख के खरीदूँगा, आप मेरे से मिल लीजिए। तो वहाँ पर वो बोलेगा मैं मिल नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पर मेरे को मिलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अभी इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को मिलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो आप एक काम करिए, ऐसे मैं कोरियर कर दे रहा हूँ, कोरियर से आपका जो सामान है वो चला जाएगा, आप वहाँ से कोरियर कर लेना। तो जो अभी जो भी बंदा वो खरीदेगा तो पेमेंट के बारे में पूछेगा कि मैं पेमेंट किस तरीके से करूँगा, मैं पहले फ़ोन मेरे पास आएगा उसके बाद पेमेंट करूँगा। तो वहाँ पर जो स्कैमर है वो बताएगा सिर्फ डिलीवरी चार्ज का अमाउंट दे दीजिए, जो भी चार्ज है डिलीवरी चार्ज उस अमाउंट आप पे कर दीजिए, लाइक 5,000 या फिर जितना भी चार्ज है, मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा रेट का फ़ोन है तो ज़्यादा ज़्यादा पैसा मांगते रहेगा, अगर कम रेट का फ़ोन होगा तो वो ज़्यादा ज़्यादा कम रेट का मतलब मांगते रहेगा, जो जैसे शायद 500,000 ऐसा मांगते रहेगा। तो जो भी हो आपसे एक अमाउंट मांगा जाएगा, वहाँ पर आपको उस अमाउंट को पे करने के लिए बोला जाएगा। अभी जो समझदार है यहाँ पर समझ के वो नहीं खरीदेगा, जो भी स्कैम से होना चाहते हैं तो वो जाके यहाँ पर पे कर देगा, जितना भी चार्ज है वो पे कर देगा। उसका बातों में आके मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं कि वो आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स भेज देगा, मैं इंडियन आर्मी से हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देगा। डॉक्यूमेंट्स देके आपको वीडियो कॉल भी कर सकता है, वीडियो कॉल करके आपको वो बात भी कर सकता है, मेरे साथ बात के वीडियो कॉल में मैं दिखाऊंगा, फ़ोन भी दिखाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आके वो कोई जो बंदा है वो पैसा पे कर देता है जितना भी चार्ज है। तो डिलीवरी चार्ज पे करने के बाद कुछ समय के बाद आपके पास एक कॉल आएगा। डिलीवरी चार्ज करने के पहले तो आपको वो बोलेगा मैं डिलीवरी करने के लिए चार्ज दीजिए, उसके बाद एक कॉल आएगा एंड आपको वो है व्हाट्सएप पे कुछ डिलीवरी का जो स्लिप है वो सेंड कर देगा, जो भी डिलीवरी का स्लिप आता है वहाँ पर इंडियन आर्मी का डिलीवरी स्लिप फेक स्लिप आता है, उस फेक स्लिप को आपको सेंड कर देगा। और जो भी समझदार है वहाँ पर समझ जाएगा कि फिलिक्स फेक स्लिप है या फिर जो स्कैम होना चाहते हैं वहाँ पर, तो उसको स्कैम करेगा जब तो थोड़ा सा उसको बातों में आके अगर कोई भी आता है तो उसको डिलीवरी स्लिप देख के वो भी और भी विश्वास कर लेते हैं मेरा फ़ोन आ रहा है। तो सेंड करने के बाद वो बोलेगा कि डिलीवरी कर दिया, आपको पैकिंग का भी फोटो सेंड कर देता है कि ये पैकिंग है आप देख लीजिए, पैकिंग कर दिया, डिलीवरी जो स्लिप है वो भी भेज दिया, अब जो डिलीवरी चार्ज दिया था वो भी मैं दे दिया। तो यहाँ तक तो डिलीवरी करने के बाद वो यहाँ तक स्टॉप करता है। उसके बाद आपके पास थोड़ी देर बाद और एक कॉल आता है, उस कॉल पर वो बात करेगा कि मैं डिलीवरी बॉय से बात कर रहा हूँ, आपका एक पार्सल आया हुआ है, उस पार्सल को लेने के लिए आपका जितना भी अमाउंट है उसका आधा पे करना पड़ेगा, 50% आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हम पार्सल दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपको 50% कोई भी दे देता है या फिर कोई देता नहीं है वहाँ से आके छोड़ देता है, लेकिन कोई भी आके 50% दे देता है एंड उसके बाद फिर उसको कॉल करता है कि आपका जो भी पार्सल है वो तो शिफ्ट हो गया एंड आपको यहाँ पे फुल पेमेंट पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास आपका डिलीवर नहीं होगा। यहाँ करा के उसको आपको पास फुल पेमेंट का बात करते हैं एंड पूरा पेमेंट पे करने के लिए बोलता है, आपको जो भी QR कोड वगैरह सेंड करते रहता है एंड आपको अकाउंट जीरो भी कर सकता है।
तो यहाँ से ऐसे करके स्कैम करते हैं वो लोग कि मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल भी करते हैं, पूरा विश्वास देता है कि मैं इंडियन आर्मी से। तो दोस्तों अगर किसी को चीज़ को जितना भी रेट है नॉर्मल रेट है उससे बहुत कम रेट में मिल रहा है तो वो चीज़ को आप नहीं खरीदे एंड उस चीज़ के ऊपर देखे ही मत, जितना भी नॉर्मल रेट होता है उस नॉर्मल रेट पर जाके खरीदेगा। एंड ओएलएक्स वगैरह ऐप को उतना यूज़ मत कीजिए, ज़्यादा बेहतर अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा स्कैम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो इस तरीके से स्कैम करता है। आप बात करेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी चीज़ बेचने जाओगे, कैसे स्कैम करेंगे। अगर किसी भी चीज़ आप बेचना चाहते हो तो उस टाइम स्कैम इस तरीके से होता है, पूरा सब अलग है। पहले जो स्कैम के बारे में बोला, जो अगर किस तरीके से आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे वो इसके से पूरा अलग है, लेकिन बंदा सेम होता है, सेम बंदा आपको स्कैम करता है। तो स्कैम तो पहले बोला था कि आपको वो जो बैलेंस है आपको मांगने के लिए पूरा डायरेक्टली बोलेगा कि आपको ये चार्ज दीजिए, तो ये तो आपको पूरा इस तरीके से स्कैम करेगा, ये पूरा अलग है, पूरा डिफिकल्ट स्कैम। तो किसी भी चीज़ आप ओएलएक्स पे ऐड दिया एंड उसका नॉर्मल जो रेट है आप दे दिया, तो कुछ दिन बाद आपको एक कॉल आएगा वहाँ से या फिर कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करेगा आपको। अगर हम नंबर देगा तो कॉल आएगा या फिर कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करेगा, बात करेगा कि मैं आउट ऑफ कंट्री से बोल रहा हूँ या फिर मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, ऐसे बात करेगा। तो पहले ही बोलेगा कि आपके पास जो भी सामान है, जो भी फ़ोन, शायद आपने एक फ़ोन का ऐड दिया, वो फ़ोन है, वो फ़ोन मैं लेना चाहता हूँ, और आपका जितना भी पेमेंट है मैं एडवांस में पेमेंट कर देता हूँ, आप डिलीवर कर दीजिए, आप कुरियर कर दीजिए, मेरे पास कुरियर कर दीजिए, मैं एड्रेस भेज देता हूँ, आप कुरियर कर दीजिए, उसको मैं एडवांस पेमेंट करना चाहता हूँ। तो कोई कोई तो आके सोचता है कि ठीक है एडवांस पेमेंट कर रहे तो अभी भेज दूंगा, मेरा भी अच्छा होगा, मेरा भी सामान चला जाएगा, और एडवांस पेमेंट भी कर रहे हो। तो यहाँ पर आके कोई एडवांस पेमेंट लेने के लिए बोलता है कि क्या करना पड़ेगा बोलिए, तो सबसे पहले वो बोला कि मैं एक QR कोड सेंड कर रहा हूँ, उस QR कोड को आप स्कैन कीजिए एंड यहाँ से आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट चला आएगा। तो कोई कोई आके बोलता है कि मैं स्कैन करेगा तो मेरा अकाउंट से बैलेंस जाएगा, तो उस टाइम वो लोग बोलता है कि मेरा ये रिडीम कोड है, ये रिडीम कोड है, मैं यहाँ पर रिडीम को रेडी करके रखता हूँ पहले से ही, मैं इंडियन आर्मी से हूँ तो मैं यहाँ पर रिडीम को कोई भी UPI एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसलिए मेरा रिडीम कोड रहता है, रिडीम कोड आप यहाँ से स्कैन करके अपना बैलेंस ले सकते हो। तो उसके नीचे भी अमाउंट दे सकते, लिखा हुआ रहता है कि इतना अमाउंट है, तो कोई भी आके उसको देख के समझ सकता है कि रिडीम कोड ही है। तो वहाँ पर जाके कोई स्कैन करता है एंड अपना जो UPI पिन है वो यहाँ पे ऐड कर देता है, डाल देता है एंड आपको उसका बैलेंस है जितना भी अमाउंट दिया रहता है वो काट देता है। उसके बाद फिर दोबारा कॉल करता है कि मेरे अकाउंट से बैलेंस काट गया, आपने बोला था आपके अकाउंट से आएगा। फिर वो स्कैमर वहाँ तक तो किसी भी चीज़ को मतलब ब्लॉक, कोई कोई भी स्कैमर तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन कोई भी स्कैमर आता है उससे भी ज़्यादा स्कैम करने के लिए सोचता है एंड बोलता है कि ये कुछ प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकली, तो और एक दूसरा स्कैनर सेंड करो, QR कोड सेंड करो, अब इसको स्कैन करके सेंड कीजिए, आपको जो पहले वाला बैलेंस था वो भी आ जाए, वो ऐड करके और आपका जितना भी ये बैलेंस है दोनों ऐड करके सेंड कर रहे हो। तो उस टाइम डबल आपको सेंड करता है एंड डबल वो QR करने के लिए ट्राई करता है एंड आपको अकाउंट से जितना भी पैसा है वो जीरो भी हो सकता है स्कैम के वजह से। तो कोई कोई आके जीरो भी करते थे, बहुत से ऐसे न्यूज़ सुना हूँ कि ऐसे बहुत सारा हुआ है। तो मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था ओएलएक्स स्कैम के बारे में, मैं एक चीज़ खरीदने जा रहा था एंड उस टाइम बहुत ही लो प्राइस में देखा, तो उस टाइम इतना पता नहीं था कि स्कैम वगैरह इतना होता रहता है, तो उस टाइम मैं 4000 में अटक गया था, मतलब 4000 सेंड के उसके बाद समझ गया कि स्कैमर है, स्कैमर है, तो फालतू पैसे ले रहा है। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया, वो ब्लॉक ब्लॉक कर दिया, मेरा ओएलएक्स का जो आईडी वो भी सस्पेंड हो गया था। पता नहीं वो लोग क्या करता है, पहले से सेटिंग होता रहता है ओएलएक्स के वाले से। तो अब स्कैन मत कीजिए, स्कैन वो जो भी QR कोड सेंड करेगा, क्योंकि आपका बैलेंस, अगर आपको किसी भी तरीके से बैलेंस रिसीव करना है तो स्कैन करने का ज़रूरत नहीं है, और आपका UPI जो पिन है वो डालने का ज़रूरत नहीं है रिसीव करने का टाइम। तो दोस्तों इस स्कैमर से आप बचने के लिए, कोई भी अगर आपके पास स्कैम करने का ट्राई कर है, तो आप अपने जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है उसको जाके केस कीजिए, एक FIR कीजिए, या फिर जो भी साइबर क्राइम का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप इसके नाम पे FIR कीजिए। एंड जो भी अगर सोच लीजिए आपके पास कोई बैलेंस आ रहा है वो रिसीव करने के लिए किसी भी तरह का QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपका जो UPI पिन है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी चीज़ खरीदने जा रहा हो ऑनलाइन से, तो वो जनरली लाइव मिल के खरीदे, बंदे को बोले मैं यहाँ पर एक लोकेशन, पार्टी को लोकेशन के सेलेक्ट कीजिए कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर जाके मिलेंगे, मिल के आपको फ़ोन भी देखेंगे, आपको बैलेंस कैश भी, आप कैश पे करके आपको लेंगे। वो बोलेगा कि मेरा जो डिलीवरी चार्ज है वो सेंड कीजिए, ये सभी छोड़िए, ये सभी बाद में मत आइए, क्योंकि ऐसे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वो आपको स्कैम कर सकता है। तो अगर कोई भी नॉर्मल चीज़ का आप खरीदने जा रहे हो तो उसका नॉर्मल जो रेट है उसी नॉर्मल रेट पे खरीदे, बहुत ही कम रेट में मत आइए। अगर कम रेट होगा तो उसके अंदर कुछ तो स्कैम हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रख के आप कुछ कम कीजिए।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिसके साथ आप भी स्कैम नहीं हुआ तो वो वीडियो को देख के स्कैम से बांच सकता है। आपने देख लिया, आप भी स्कैम से शायद बांचोगे। और मेरा पिछले एक वीडियो बनाया था KBC स्कैम के बारे में, जो कि व्हाट्सएप के बारे में होता है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यहाँ पर आप लिंक भी दे दूँगा, तो आप देखना चाहते हो वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते होगा अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना।